हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आभा तिवारी एंड दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अब जो हमारा रेडॉक्स रिएक्शन का लास्ट लेक्चर था, उसमें हमने पढ़ा था व्हाट आर द रूल्स टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इन केस आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लेक्चर का लिंक है, आप जाके वो लेक्चर देख सकते हैं या ऊपर आई बटन पे भी क्लिक करने पे आपको वो वाला लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमारा तीसरा लेक्चर है रेडॉक्स रिएक्शन का, इसके अंदर भी हम ऑक्सीडेशन नंबर पे ही डिस्कशन कंटिन्यू करने वाले हैं, बट यहाँ पे हम कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। द फर्स्ट एग्जांपल व्हिच वी हैव ओवर हियर इज दैट वी हैव टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन Fe3O4। ठीक है, तो Fe3O4 करके एक कंपाउंड है जिसके अंदर हमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना है। ठीक है, अब जो मेथड हमने लास्ट लेक्चर में अप्लाई किया था, अगर उस मेथड से हम निकालने जाएंगे, ठीक, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर मान लेंगे x, ठीक है, एंड Fe के यहाँ पे आपको तीन एटम दिख रहे हैं तो आप ले लेंगे 3x। ठीक है, प्लस ये एक मेटल का ऑक्साइड है और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि जब भी आपको ऑक्साइड दिख जाए तो आप ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो लेंगे -2। ठीक है, तो आप यहाँ पे -2 लेंगे और उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। क्यों 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? बिकॉज ऑक्सीजन के चार एटम है यहाँ पे। ठीक है, और इसको इक्वेट कर देंगे 0 से। क्यों? बिकॉज ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ठीक है, अच्छा अगर हम इसे सॉल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब x की वैल्यू जो है वो हमें आ जाएगी 8 बाई 3। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है प्लस 8 बाई 3, अब आपको ये वैल्यू देख के थोड़ी सी हैरानी होगी बिकॉज पिछले लेक्चर में हमने जितने भी एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे हमें कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में नहीं आया था। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट टाइम वी हैव गॉट ऑक्सीडेशन नंबर इन फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमें जो फ्रैक्शन में आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, ये एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, अब ये जो Fe3O4 मॉलिक्यूल है इट इज मेड अप ऑफ FeO एंड Fe2O3। ठीक है, मतलब ये एक मॉलिक्यूल फेरस ऑक्साइड का बना है और एक मॉलिक्यूल फेरिक ऑक्साइड का बना हुआ है। ठीक है, इसे हम मिक्स्ड ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, मिक्स्ड ऑक्साइड क्यों बोला जाता है? बिकॉज दो टाइप के ऑक्साइड्स हैं इसके अंदर। ठीक है, अब आपने ना अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा कि जब भी फेरस आपको दिख जाए तो आप बोलते हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट Fe का होता है +2। ठीक है, और फेरिक दिख जाए तो आप बोलते हो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। ठीक है, अब फेरस का एक ही एटम है हमारे पास। ठीक है, तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास फेरिक के दो एटम है तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अच्छा अगर तीनों के ऑक्सीडेशन नंबर हमने ऐड किए तो हमें आएगा आंसर +8। ठीक है, एंड Fe के यहाँ पे तीन एटम है। ठीक है, तो +8 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये जो हमें फ्रैक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर एग्जैक्टली आ रहा था, ठीक है, दिस इज नथिंग बट दिस इज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, मतलब अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते टाइम आपका जो वैल्यू है अगर वो फ्रैक्शन में आ जाए तो आप बोलेंगे कि वो एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, इट इज अ एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अगर यहाँ पे एक्चुअल ऑक्सीडेशन पूछा गया है तो आपको पता है फेरस है तो यहाँ पे +2 होगा एंड फेरिक है तो +3 होगा। ठीक है, तो एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर आर +2 एंड +3। ठीक है, 8/3 जो आ रहा है वो है फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल व्हिच वी हैव ओवर हियर इज दैट वी हैव टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन C3O2। ठीक है, अब ये C3O2 मॉलिक्यूल क्या है, इसे बोला जाता है दैट इट इज कार्बन सबऑक्साइड। ठीक है, अब हम अपने ट्रेडिशनल मेथड से जाते हैं। ठीक है, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना है तो x मान लेंगे। ठीक है, तीन एटम है तो 3x लिख देंगे। ठीक है, ऑक्सीजन का -2 ले लेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज ऑक्सीजन के दो एटम है और अगेन इक्वल टू 0 कर देंगे बिकॉज इट इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो 3x -4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू जो है वो अगेन हमें आ जाएगी +4/3। ठीक है, तो अगेन हमें जो ऑक्सीडेशन नंबर मिला है दैट इज इन फ्रैक्शन। ठीक है, और हमने क्या बोला, जब भी आपको फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा, ठीक है, तो वो एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता, इट इज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो हमें एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर हमें एग्जैक्टली कैलकुलेट करने के लिए इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन सब ऑक्साइड। ठीक है,
अब इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर हम ऑक्सीडेशन नंबर देंगे, ठीक है, बाय द रूल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि कोवेलेंट बॉन्ड अगर होगी तो आप उसमें ऑक्सीडेशन नंबर्स कैसे देंगे। ठीक है, तो उसी रूल के हिसाब से हम इनको ऑक्सीडेशन नंबर्स देते हैं। ठीक है, अब इस वाले अगर बॉन्ड में देखा जाए तो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, एंड यू नो दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम ऑक्सीजन को -2 का चार्ज दे देंगे और कार्बन को यहाँ पे +2 का चार्ज दे देंगे। ठीक है, अच्छा इस वाले अगर बॉन्ड में देखेंगे तो यहाँ पे दोनों एटम जो है वो सेम ही एलिमेंट के हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे देर इज नो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब आती है, जब दो एटम अलग एलिमेंट के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 0 0 दे देंगे। ठीक है, अच्छा ये वाले अगर बॉन्ड में देखेंगे तो अगेन बोथ द एटम्स आर ऑफ सेम एलिमेंट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो अगेन हम ऑक्सीडेशन नंबर 0 0 दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो सेम ही है, दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन कार्बन। ठीक है, और यहाँ पे बॉन्ड डबल है तो ऑक्सीजन को -2 का चार्ज दे दोगे, कार्बन को +2 का चार्ज दे दोगे। ठीक है, तो इस वाले कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज +2, इस वाले कार्बन का है 0 एंड अगेन इस वाले कार्बन का है +2। ठीक है, मतलब यहाँ पे कार्बन के दो टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर मिल रहे हैं, एक +2 मिल रहा है और एक 0 मिल रहा है। ठीक है, अच्छा अगर तीनों को ऐड करेंगे, +2 0+2, ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, +4। एंड कार्बन के यहाँ पे हमें 3 एटम दिख रहे हैं। ठीक है, तो हम इसे 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये जो हमें अगेन 4/3 आ रहा था दैट वॉज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर है +2 एंड 0। ऑलराइट, चलो तो नाउ द थर्ड एग्जाम्पल विच वी हैव हियर इज दैट वी हैव टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन इन Br3O8। ठीक है, अब ये Br3O8 जो मॉलिक्यूल है इसका नाम है ट्राई ब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड। ठीक है, अच्छा डायरेक्टली अगर फॉर्मूला से निकालने जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x + -2 × 8 = 0। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, 3x - 16 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू आ जाएगी +16/3। ठीक है, अगेन आपको जो ऑक्सीडेशन नंबर मिला है दैट इज इन फ्रैक्शन। ठीक है, तो यू हैव गॉट फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, और जब भी फ्रैक्शन में आ जाए तो हम बोलते हैं इट इज एन एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एक्चुअली में ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ठीक है, और अगेन उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें स्ट्रक्चर चाहिए। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राई ब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड। ठीक है, अब हम पहले क्या करते हैं, सबसे राइट साइड वाला जो ब्रोमीन है उसको ऑक्सीडेशन नंबर देते हैं। ठीक है, अब याद रखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ब्रोमीन। ठीक है, तो बी आर एंड ओ के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को हम -2 का चार्ज देंगे एंड ब्रोमीन को +2 दे देंगे। यहाँ पे भी -2 देंगे, यहाँ पे +2 दे देंगे, यहाँ पे -2 देंगे, यहाँ से भी +2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इस वाले बॉन्ड में अगर आप देख रहे हो तो दोनों एटम सेम ही एलिमेंट के हैं, दैट इज ब्रोमीन के हैं, सो देर इज नो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो अगेन बीच वाले ब्रोमीन को अगर हम देखेंगे तो बीच वाले ब्रोमीन में भी यहाँ पे -2 का चार्ज दे देंगे, यहाँ पे +2, यहाँ पे -2 दे देंगे, यहाँ पे +2। ठीक है, बगल वाले ब्रोमीन से कुछ नहीं आएगा इसके लिए 0। ठीक है, लास्ट वाले सबसे लेफ्ट हैंड साइड वाले ब्रोमीन पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे -2, यहाँ पे +2, यहाँ पे -2, यहाँ से +2, यहाँ पे -2, यहाँ से +2, और यहाँ से अगेन बगल से 0 मिल गया। ठीक है, बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अगर आप सबसे राइट हैंड साइड वाले ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे, ठीक है, तो फिर ये पूरा आ रहा है आपको +6। ठीक है, बीच वाले ब्रोमीन का अगर हम देखेंगे तो आ रहा है हमें +4। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाले ब्रोमीन का देखेंगे तो अगेन हमें आ रहा है +6। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रोमीन के दो टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर्स मिल रहे हैं, एक मिल रहा है +6 और दूसरा मिल रहा है +4। ठीक है, तीनों को ऐड करेंगे +6 + 4 + 6। ठीक है, इट इज व्हाट, इट इज कमिंग एज 16। ठीक है, और यहाँ पे 3 एटम है ब्रोमीन के तो 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये जो हमें +16/3 आया था, ठीक है, इट इज एन एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, नॉट द एग्जैक्ट वन। एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर जो है दैट इज +6
एंड प्लस फोर, ठीक है। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज दैट वी हैव टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन एस फोर ओ सिक्स टू माइनस आयन, ठीक है। ये जो आयन है इसका नाम है टेट्राथायोनेट आयन, ठीक है। अगेन अगर क्लासिकल मेथड से जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 4x, ठीक है, और क्या करेंगे इसको प्लस माइनस टू इंटू सिक्स से एड करेंगे और इक्वल टू माइनस टू लिखेंगे, ठीक है। अब इसे माइनस टू से इक्वेट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे अगर आप चार्ज देख रहे हो तो वो माइनस टू है, ठीक है। पिछले जो तीन एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स थे, इसके लिए हम उसे जीरो से इक्वेट कर रहे थे। यहाँ पे ये आयन है और इस आयन के ऊपर चार्ज माइनस टू का है, इसके लिए हम इक्वेट कर रहे हैं माइनस टू से, ठीक है। आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो इट इज 4x माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस टू, ठीक है। तो 4x क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू प्लस 10 और x की वैल्यू हमें आ जाएगी प्लस 10 बाई 4, या तो आप बोल सकते हो 5 बाई 2 भी, या तो आप बोल सकते हो 2.5 भी, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन हमें जो ये फ्रैक्शन में वैल्यूज आ रही है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे दैट दिस इज अ एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो जो हमें एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमें देखने मिलेगा बाय द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेट्राथायोनेट, ठीक है। तो इसमें चार सल्फर है, एक एक करके सारे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ठीक है। अगेन याद रखना है दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर, ठीक है। तो यहाँ पे आप चार्ज क्या दोगे, माइनस टू, यहाँ पे प्लस टू, बिकॉज दो बॉन्ड था, डबल बॉन्ड था। यहाँ पे आप चार्ज क्या देंगे, माइनस वन, प्लस वन, यहाँ पे देंगे माइनस टू, यहाँ से देंगे प्लस टू, ठीक है। यहाँ से देंगे जीरो, यहाँ से भी दे देंगे जीरो, क्यों, बिकॉज यहाँ पे कोई भी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, दोनों एटम सेम ही एलिमेंट के, ठीक है। अच्छा अब ये वाले सल्फर पे जाएंगे तो इसे यहाँ से भी जीरो मिल जाएगा, बिकॉज यहाँ पे भी कोई सल्फर नहीं है। इस वाले सल्फर को देखेंगे तो यहाँ पे भी दोनों साइड से जीरो ही मिलेगा, ठीक है। अगेन जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड वाला सल्फर है उस पे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे माइनस टू मिला, यहाँ पे प्लस टू, यहाँ से माइनस टू, यहाँ पे प्लस टू, ठीक है, यहाँ पे माइनस वन, यहाँ पे प्लस वन, बिकॉज एक ही बॉन्ड था, ठीक है। एंड राइट वाले सल्फर से जीरो मिलेगा, ठीक है। अच्छा अगर हम इन सबको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो इस वाले सल्फर पे जो चार्ज आएगा दैट विल बी प्लस फाइव, ठीक है। इस वाले सल्फर पे तो कोई चार्ज नहीं है, जीरो है। अगेन इस वाले पे भी कोई चार्ज नहीं है, जीरो है, ठीक है। अच्छा इस वाले सल्फर को भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे प्लस फाइव आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर्स मिल रहे हैं हमें, ठीक है, एक प्लस फाइव मिल रहा है और एक जीरो मिल रहा है, ठीक है। अगेन सबको ऐड कर देंगे, ठीक है, तो दो बार जीरो मिला है, दो बार प्लस फाइव मिला हुआ है, कितना हो जाएगा, ये प्लस टेन हो जाएगा, और इसको डिवाइड बाय फोर कर देंगे। क्यों डिवाइड बाय फोर करें, बिकॉज सल्फर के चार एटम है, ठीक है। तो ये जो हमें प्लस टेन बाय फोर आ रहा है, ठीक है, दैट इज नथिंग बट दैट इज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, नॉट द एक्चुअल वन। एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, प्लस फाइव और जीरो, ऑलराइट, ऑलराइट एवरीवन। सो द नेक्स्ट एग्जांपल व्हिच वी हैव इज दैट वी हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CH3CH2OH, ठीक है। इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, इट इज इथाइल अल्कोहल, या तो आप इथेनॉल भी बोलते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कार्बन दो है, ठीक है, तो हम 2x ले लेंगे। हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, 6 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे, ठीक है। हमने रूल बोला था कि जब भी हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ लगा हो तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर आपको प्लस 1 कंसिडर करना है, ठीक है। अगेन ऑक्सीजन का हम क्या करेंगे, एक ही एटम है तो माइनस टू ले लेंगे, ठीक है, और इसको अगेन इक्वेट कर देंगे जीरो से, बिकॉज इट्स अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ठीक है। आगे सॉल्व करोगे तो इट इज 2x, ठीक है, प्लस 6 माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो x की वैल्यू जो आएगी आपको दैट विल कम एज माइनस 2, ठीक है। अब हम वेरीफाई करते हैं कि ये जो माइनस 2 हमें ऑक्सीडेशन नंबर आया है, ठीक है, क्या वो एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर है, बिकॉज यहाँ पे कार्बन दो है हमारे पास, ठीक है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर अलग हो, ठीक है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर से वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ इथाइल अल्कोहल, ठीक है। अगेन आपको याद रखना है दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, ठीक है, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब हम चार्जेस देते हैं, यहाँ पे देंगे प्लस वन, यहाँ पे दे देंगे माइनस वन, यहाँ पे भी दे देंगे प्लस वन, यहाँ से आ जाएगा माइनस वन,
यहाँ पे भी दे देंगे प्लस वन, यहाँ से भी आ जाएगा माइनस वन। ठीक है, अब बगल में राइट हैंड साइड पे कार्बन ही लगा है, ठीक है, तो कोई भी डिफरेंस नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इसके लिए जीरो जीरो दे देंगे। यहाँ पे भी प्लस वन देंगे, यहाँ पे माइनस वन, यहाँ पे प्लस वन दे देंगे, यहाँ पे माइनस वन। ठीक है, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन को दे देंगे हम माइनस वन, ठीक है, बिकॉज सिंगल बॉन्ड है, और कार्बन को दे देंगे प्लस वन। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इस वाले कार्बन का आ रहा है -3। ठीक है, एंड जो राइट वाला कार्बन है इसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है कितना, ठीक है, ये आएगा आपको -1। ठीक है, तो दो अलग आपको ऑक्सीडेशन नंबर्स मिल रहे हैं, एक कार्बन का मिल रहा है -3 और दूसरे का मिल रहा है -1। ठीक है, तो -3 और -1 को अगर आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, और एटम हमारे पास दो हैं कार्बन के, 2 से डिवाइड करेंगे तो -2 मिल जाएगा। ठीक है, तो जो हमें ये -2 मिल रहा था, ठीक है, दैट इज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, नॉट द एक्चुअल वन, एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -3 और -1। ठीक है, तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, या रादर जितने भी कंपाउंड्स होंगे जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है, तो वहां से हमें जो ऑक्सीडेशन नंबर है, एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन नंबर, वो हमें मिलेगा स्ट्रक्चर से। ठीक है, चलो नाउ वील टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल। हियर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CH3COOH। ठीक है, अब ये CH3COOH मॉलिक्यूल को क्या बोला जाता है, इट इज कॉल्ड एज एसिटिक एसिड, ठीक है, या इथेनोइक एसिड भी बोल सकते हो इसे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम कन्वेंशनल मेथड से जाएं तो कार्बन हमारे पास दो है तो हम 2x ले लेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन का प्लस वन ले लेंगे बिकॉज वो नॉन मेटल से बॉन्डेड है। ठीक है, और चार एटम है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऑक्सीजन के हमारे पास दो एटम है तो -2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वल टू 0 लिख देंगे। ठीक है, आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा +4 -4 इज इक्वल टू 0। +4 -4 को आपने कैंसिल कर दिया तो x की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, अब ऐसा तो हो नहीं सकता बिकॉज अगर बॉन्डेड स्टेट में है तो कुछ तो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। ठीक है, 0 कब आता है, जब वो फ्री स्टेट में होता है। ठीक है, याद है हमने लास्ट लेक्चर के रूल्स में लिखा था ये चीज। ठीक है, तो एक्चुअली में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है उसको हम चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिडिक एसिड। ठीक है, अगेन हमें याद क्या करना है, दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। ठीक है, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो चलो चार्जेस दे देते हैं, यहाँ पे दे देंगे +1, यहाँ से आ जाएगा -1, यहाँ पे +1, यहाँ से -1, यहाँ पे भी +1, यहाँ से -1। ठीक है, अच्छा अब कार्बन कार्बन के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो 0 0 दे देंगे। ठीक है, अच्छा अब राइट हैंड साइड वाले कार्बन को देखोगे तो वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को -2 दे दोगे और कार्बन को दे दोगे +2। ठीक है, अब +3 -3 क्या हो जाएगा, ठीक है, +3 और -3 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमें 0 आया था, ठीक है, दैट वॉज अगेन एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, इट वॉज नॉट एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर, एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर था -3 और +3। ठीक है, नाउ सेवेंथ एग्जांपल है दैट वी हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2O32- आयन। ठीक है, अब इस आयन का नाम क्या है, इस आयन का नाम है थायोसल्फेट आयन। ठीक है, अब इसको आप याद कैसे करोगे, इट इज सिमिलर टू सल्फेट। सल्फेट कैसा होता है, SO42-। ठीक है, इसको आप बोलते हो सल्फेट। आपको क्या करना है, सल्फेट में से एक ऑक्सीजन हटाना है और S लगा देना है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, S2O32-, तो ये हो गया थायोसल्फेट। ठीक है, थायो ये वर्ड कब लगता है, जब सल्फर आ जाता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो सल्फर के दो आइटम है तो हम 2x ले लेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना ले लेंगे, यहाँ पे अगेन हम यहाँ पे -2 ले लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और इक्वेट कर देंगे -2 से बिकॉज यहाँ पे -2 का चार्ज आ रहा है। ठीक है, अब आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2x -6 इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 6 जो है वो साइड चला जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो +4 है, डिवाइड बाय आप 2 करोगे। ठीक है, तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी +2। ठीक है, अगेन चेक करते हैं कि ये जो +2 ऑक्सीडेशन नंबर मिल रहा है, ठीक है, क्या वो एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर है या नहीं, बिकॉज यहाँ पे दो सल्फर है। ठीक है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों सल्फर का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर हो। ठीक है, तो एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर है
जैसे कि मैंने बोला ये सल्फेट जैसा है, ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये सल्फेट का है, ठीक है। और मैंने क्या बोला आपको कि सल्फेट में से आप एक ओ को हटा दो और एस लगा दो, ठीक है। तो यहाँ से आपने एक ओ हटाया और यहाँ पे आपने एस लगा दिया, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थायोसल्फेट, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा, ये थायोसल्फेट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पे चार्जेस देते हैं हम, ठीक है। अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर। तो अगर हम चार्जेस देंगे तो यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में दो बॉन्ड है, तो यहाँ पे -2 दे देंगे, यहाँ पे +2 दे देंगे। यहाँ से -1 आ जाएगा, यहाँ से +1 आ जाएगा, यहाँ से -2, यहाँ से +1 +2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे इस वाले बॉन्ड में देखोगे तो दोनों एटम सेम ही एलिमेंट का है, ठीक है। तो देर इज नो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, ठीक है। अब जो लेफ्ट हैंड साइड वाला सल्फर है, ठीक है, उसके ऊपर सल्फर से तो कोई चार्ज नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया, बट इसके खुद के ऊपर तो एक माइनस चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ पे -1 का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो नाउ इफ यू सम इट अप, तो इस वाले सल्फर का जो चार्ज है, ठीक है, वो आ जाएगा +5 एंड इस वाले का आ जाएगा -1, ठीक है। तो दो टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर्स है, एक है -1 और एक है +5, ठीक है। तो अगर अगेन हम +5 और -1 को ऐड करें तो ये हो जाएगा +4, और सल्फर के दो एटम है तो 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा +2, ठीक है। तो ये जो हमें +2 आया है, इट इज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, अगेन एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है। जो एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज +5 एंड -1, ठीक है। नाउ जो 8th एग्जांपल है, दैट वी हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन CH3 ट्वाइस SO मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, इसे बोला जाता है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है, और इसे DMSO करके भी जाना जाता है, ठीक है। आप याद रखेंगे काफी इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है, ठीक है, आपको ऑर्गेनिक के चैप्टर्स में अगेन ये कंपाउंड आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली कन्वेंशनल मेथड से तो निकाल नहीं सकते, बिकॉज कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है ये तो हमने रूल में नहीं लिखा था, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्ट्रक्चर से ही ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे कि DMSO का जो स्ट्रक्चर है दैट इज सिमिलर टू एसीटोन, ठीक है। एसीटोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन को हटा के आपको एस लगा देना है, ठीक है, तो वो मिल जाएगा डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है। तो दिस इज एसीटोन, तो दिस इज डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है। अगेन आपको याद रखना है दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर इज स्लाइटली ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, ठीक है। एंड आपको पता है दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है, फ्लोरीन के बाद। तो यहाँ पे आप -2 दे दोगे, यहाँ से +2 दे दोगे, ठीक है। यहाँ से आप क्या करोगे, आप सल्फर को -1 दोगे, यहाँ पे आप क्या करोगे +1 दे दोगे कार्बन को, यहाँ पे भी -1 दोगे, यहाँ पे +1 दे दोगे, ठीक है। अगेन अगर आप ऐड करोगे तो इस वाले सल्फर पे कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन DMSO इज 0, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल ओवर हियर इज दैट वी हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO5, ठीक है। अब आपको ये मॉलिक्यूल थोड़ा नया लगेगा सुनने के लिए, ठीक है, आपने H2SO4 सुना होगा, ठीक है। H2SO4 क्या होता है, इट इज सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और H2SO5 को बोला जाता है इट इज अ कैरोज एसिड, ठीक है, या तो आप इसको पर सल्फ्यूरिक एसिड भी बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर कन्वेंशनल मेथड से निकालने जाएंगे तो ये हो जाएगा +1 × 2, बिकॉज हाइड्रोजन के दो एटम है और दोनों नॉन मेटल से बॉन्डेड है, ठीक है। सल्फर का हमें नहीं पता, एक्स मान लेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना ले लेंगे, -2, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से इक्वेट कर देंगे, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो +2 + x - 10 = 0, ठीक है। तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपको +8, ठीक है। अब ये जो +8 हमें ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, ठीक है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। याद रखना कि सल्फर का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है, वो होता है +6। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 से आगे नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये जो +8 आ रहा है वो गलत है, ठीक है। तो एक्चुअल में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, अगेन हम कंफर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैरोज एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे भी जैसे कि हमने डिस्कस किया था दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर, ठीक है, तो आप चार्जेस दे देते हैं, यहाँ पे -2 दे दोगे, यहाँ पे +2, यहाँ पे -2, यहाँ पे +2, ठीक है, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे भी -1 और यहाँ से भी +1 आ जाएगा, ठीक है, तो अगर आप इसे ऐड करोगे, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज कमिंग एज +6, ठीक है, तो एक्चुअली में ऑक्सीडेशन नंबर जो है सल्फर का इन कैरोज एसिड इज +6, ठीक है, एंड नॉट +8, ठीक है, तो हम गलत कहाँ जा रहे थे, ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इट इज अ परॉक्सी लिंकेज, ठीक है, और मैंने आपको बोला था लास्ट लेक्चर में रूल लिखाते टाइम, ठीक है, कि जो भी ऑक्सीजन होता है परऑक्साइड वाला, ठीक है, उसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, ठीक है, तो परऑक्साइड वाले ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -1, ठीक है, तो यहाँ पे जो 5 ऑक्सीजन है, ठीक है, इनमें से 3 नॉर्मल ऑक्साइड वाले हैं एंड 2 पेरोक्साइड वाले हैं, ठीक है, तो अगर फिर से हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा +1 × 2, ठीक है, प्लस सल्फर का एक्स ले लेंगे, अगेन ऑक्सीजन के 2 टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है, एक है -2 जिसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक है -1 जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है, तो अगर आप अब आंसर निकालोगे तो अब आपको एक्स की वैल्यू जो है वो +6 मिलेगी, ठीक है, तो यहाँ में, यहाँ पे हमें एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि ठीक है जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक ऑक्सी एसिड आ गया आपका कैरोज एसिड, ठीक है, तो ऑक्सी एसिड के केस में हम डायरेक्टली फॉर्मूला देख के ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालने जाएंगे, ठीक है, तो हो सकता है कि वो ऑक्सीडेशन नंबर गलत आएगी, ठीक है, क्यों, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि उस एसिड के अंदर, उस ऑक्सी एसिड के अंदर परऑक्सी लिंकेज हो, ठीक है, तो हमें डायरेक्ट जो कन्वेंशनल मेथड है उससे आंसर सही भी आ सकता है, उससे आंसर गलत भी आ सकता है, ठीक है, तो हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है, ऑलराइट, सो नेक्स्ट एग्जांपल हियर वी हैव दैट वी हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एस इन H2S2O8, ठीक है, अब ये क्या मॉलिक्यूल है, इसे बोला जाता है इट इज अ मार्शल्स एसिड, ठीक है, अगेन अगर डायरेक्टली निकाला जाए कन्वेंशनल मेथड से तो ये हो जाएगा +1 × 2, ठीक है, +2x ले लेंगे और ले लेंगे -2 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से और इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व करोगे आगे तो ये हो जाएगा +2 + 2x - 16 = 0, ठीक है, ये 16 वो साइड चला जाएगा प्लस हो जाएगा, +2 वो साइड चला जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा +14 जिसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपको +7, ठीक है, पर मैंने आपको पिछले स्लाइड में ही ये चीज समझाई थी कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, ठीक है, कैन बी मैक्सिमम +6, ठीक है, +6 से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ठीक है, वो सल्फर का नहीं जा सकता, ठीक है, तो ये जो हमें +7 आया है ये गलत है, ठीक है, तो एक्चुअल में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, अब ये जो है स्ट्रक्चर है मार्शल्स एसिड का, ठीक है, अगेन हमें पता है दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन सल्फर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे चार्जेस असाइन करते हैं, ऑक्सीजन को -2 दे देंगे, यहाँ पे +2 दे देंगे, यहाँ पे -1 देंगे, यहाँ से +1 दे देंगे, यहाँ पे भी हम -2 देंगे, यहाँ से +2 दे देंगे, यहाँ से -1, यहाँ से +1, ठीक है, अब राइट हैंड साइड वाले सल्फर को तो हमने दे दिया ऑक्सीडेशन नंबर, अब लेफ्ट हैंड साइड वाले को देते हैं, यहाँ पे भी सेम ही आएगा, ठीक है, इस तरीके से आप चार्जेस असाइन कर दोगे, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, ठीक है, अच्छा अगर आप इसे टोटल करोगे, ठीक है, तो जो आपको ऑक्सीडेशन नंबर आएगा ये वाले सल्फर का, इसका भी +6 आएगा और ये वाला जो सल्फर है, ठीक है, इसका भी आपको +6 आएगा, ठीक है, तो जो हमें डायरेक्टली कन्वेंशनल मेथड से +7 मिल रहा था दैट वाज रॉन्ग, ठीक है, एक्चुअल में जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +6 है, ठीक है, अगेन हमारी गलती कहाँ पे हो रही थी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये आपको परॉक्सी लिंकेज देखने मिल रहा है, ठीक है, और हमने क्या किया, सारे ऑक्सीजन को ऑक्साइड मान के कैलकुलेट किया है, ठीक है, पर हमें ध्यान रखना है कि ये जो हमारे पास 8 ऑक्सीजन है, ठीक है, इसमें से 6 ऑक्साइड है नॉर्मल ऑक्साइड जिनके ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगी, ठीक है, और बाकी के जो 2 ऑक्सीजन है वो परऑक्साइड वाले हैं, ठीक है, तो उनके ऑक्सीडेशन नंबर होगी -1, ऑलराइट, नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन NH4NO3, ठीक है, इसका नाम है अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, NH4+ को अमोनियम कहा जाता है और NO3- को नाइट्रेट कहा जाता है, ठीक है, अच्छा डायरेक्टली अगर कन्वेंशनल मेथड से निकालेंगे अगेन
नाइट्रोजन के दो एटम है तो 2x आ जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन के हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे चार एटम है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन का -2 ले लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 2x है, +4 है, -6 है, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें जो x की वैल्यू आएगी, ठीक है, दैट विल बी +1, ठीक है। अगेन कंफर्म करते हैं, ये जो +1 आ रहा है वो एग्जैक्टली एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है या एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। तो कंफर्म कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनियम आयन, ठीक है, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट आयन, ठीक है। अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन, ठीक है, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन, ठीक है। तो चार्जेस असाइन करेंगे, पहले अमोनियम में दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप +1 दोगे, यहाँ से -1 दे दोगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, यहाँ पे भी +1, यहाँ पे -1, ठीक है। अच्छा, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में डोनर है नाइट्रोजन एंड एक्सेप्टर है हाइड्रोजन, ठीक है। बट यहाँ पे डोनर जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में रूल क्या पढ़ा था कि जब भी डोनर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है, तो नेट चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज सिंस वो ज्यादा नेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच के रखेगा, ठीक है, वो आसानी से देगा नहीं। तो यहाँ पे हम 0 0 दे देंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इस वाले नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आ रहा है आपको -3, ठीक है। अब हम देते हैं राइट साइड वाले नाइट्रोजन को नाइट्रेट में, ठीक है, यहाँ से दे देंगे -2, यहाँ से दे देंगे +2, यहाँ से -1 दे देंगे, यहाँ से +1 दे देंगे। अब अगेन ये जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, ठीक है, ये भी कोऑर्डिनेट है, ठीक है। बट यहाँ पे केस देखो क्या है कि जो डोनर है वो नाइट्रोजन है और एक्सेप्टर ऑक्सीजन है, एंड नाइट्रोजन जो है वो लेस नेगेटिव है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो अगर डोनर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो चार्ज ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो हम नाइट्रोजन को दे देंगे +2 और यहाँ पे दे देंगे -2, ठीक है। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इस वाले नाइट्रोजन का आ रहा है +5, ठीक है। तो फिर अमोनियम के अंदर नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर इज -3 एंड नाइट्रेट के अंदर इट इज +5, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा +2, और हमारे पास दो एटम है नाइट्रोजन के अमोनियम नाइट्रेट में, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा +1, ठीक है। तो जो ये +1 आंसर आया था हमें डायरेक्टली, ठीक है, अगेन दैट वॉज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, नॉट द एक्चुअल वन। एक्चुअल वाला ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -3 और +5, ठीक है। ऑल राइट, सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल हियर वी हैव दैट वी हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन CrO5, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, इट इज क्रोमियम पेंटोक्साइड, ठीक है। अब डायरेक्टली अगर इसको फॉर्मूला से निकालने जाएंगे, ठीक है, तो ये एक्स है, अगेन आप क्या लोगे, ऑक्सीजन का -2, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपको +10, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +10 होना चाहिए, ठीक है। बट मैं आपको बता दूं कि ये जो आंसर है ये गलत है, ठीक है। क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ठीक है, वो होता है +6, +6 के आगे ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का नहीं जाता, ठीक है। तो ये +10 हमें गलत क्यों आ रहा है, तो जो एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमें पता चलेगा स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये आपकी सिलेबस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है इट इज अ बटरफ्लाई स्ट्रक्चर एंड दिस कंपाउंड इज ब्लू इन कलर, ठीक है। अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ क्रोमियम, ठीक है, बिकॉज ऑक्सीजन नॉन मेटल है एंड क्रोमियम मेटल है, ठीक है। तो नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल से ज्यादा होती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे भी आपको परॉक्सी लिंकेज मिल रहे हैं, ठीक है, तो इसी वजह से हमारी गलती हो रही थी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में, ठीक है। तो यहाँ पे हम चार्ज देंगे -2, यहाँ से +2, यहाँ से -1, यहाँ से +1, यहाँ से -1, यहाँ से +1, यहाँ पे जो है -1 आएगा, यहाँ से +1, ठीक है, यहाँ पे अगेन -1, यहाँ से +1, ठीक है। तो अगर आप क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर ऐड करोगे तो ये आ रहा है आपको +6, ठीक है। तो CrO5 के अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर है क्रोमियम का
दैट इज प्लस सिक्स. ठीक है, द कंपाउंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर दिस. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है दैट वी हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आई इन के आई थ्री. ठीक है, अब अगर हम कन्वेंशनल मेथड से जाएंगे, पहले बार पे इसका नाम देख लेते हैं. इसका नाम है पोटेशियम ट्राई आयोडाइड. ठीक है, आपको पता है हमने रूल में देखा था कि जितने भी एल्कली मेटल हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर लेना होता है हमें प्लस वन. ठीक है, और आई का नहीं पता तो प्लस थ्री एक्स ले लेंगे. ठीक है, और इक्वल टू जीरो कर देंगे, तो जो हमें एक्स की वैल्यू आएगी दैट विल कम एज माइनस वन बाई थ्री. ठीक है, तो अगेन हमें फ्रैक्शन में आ गई ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है, तो जब भी हमें फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर मिले, मैंने आपको बोला है आपको समझ जाना है दैट इट इज एवरेज. ठीक है, तो एक्चुअल क्या है स्ट्रक्चर से कंफर्म करते हैं. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम ट्राई आयोडाइड. ठीक है, अगेन आई और आई के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो जीरो जीरो दे देंगे. ठीक है, यहाँ पे भी जीरो जीरो दे देंगे. ठीक है, पर इस वाले आयोडीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, तो इस वाले आयोडीन पे चार्ज आ जाएगा माइनस वन. ठीक है, तो इस वाले का चार्ज जीरो है, इस वाले आयोडीन का जीरो है, और इस वाले का है माइनस वन. ठीक है, तो टोटल जो चार्ज है दैट इज माइनस वन. ठीक है, और तीन आयोडीन के आपके पास एटम्स है तो डिवाइड बाई थ्री कर दोगे, तो ये जो माइनस वन बाई थ्री हमें आंसर आ रहा था, ठीक है, दैट वॉज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, नॉट द एक्चुअल वन. एक्चुअल वन क्या है, जीरो और माइनस वन. ठीक है, चलो वी हैव लास्ट एग्जाम्पल फॉर द डे. वी हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन CaOCl2. ठीक है, इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, इस मॉलिक्यूल का नाम है ब्लीचिंग पाउडर. ठीक है, ये आपने स्कूल में पढ़ा होगा. ठीक है, तो CaOCl2 के अंदर हमें Cl का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है. ठीक है, अगेन रूल के हिसाब से कैल्शियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है. ठीक है, तो इसको आप ऑक्सीडेशन नंबर देते हो प्लस टू, ऑक्सीजन का माइनस टू हो जाएगा, एंड क्लोरीन के दो एटम है तो टू एक्स ले लेंगे, इक्वल टू जीरो कर देंगे. ठीक है, अब प्लस टू माइनस टू कैंसिल हो गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है. ठीक है, अगेन जैसे कि हमने डिस्कस किया कि अगर वो बॉन्डेड स्टेट में है तो कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो जीरो तो नहीं आ सकती. ठीक है, जीरो कब आता है, जब एक एटम फ्री स्टेट में होता है. ठीक है, तो ये जीरो क्यों आ रहा है, इसको कंफर्म करते हैं. ठीक है, तो काफी सारे बुक में जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ब्लीचिंग पाउडर, उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से दिया जाता है. ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन. ठीक है, ऑक्सीजन का 3.5 है एंड क्लोरीन का 3 के अराउंड है. ठीक है, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कैल्शियम इज ऑल्सो स्मॉलर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन या ऑक्सीजन. ठीक है, क्यों, बिकॉज कैल्शियम मेटल है. ठीक है, एंड क्लोरीन एंड ऑक्सीजन जो है वो नॉन मेटल है. ठीक है, तो आप यहाँ पे चार्जेस दोगे, यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा, यहाँ से प्लस वन आ जाएगा, यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा, यहाँ से प्लस वन आ जाएगा. ठीक है, अब ऑक्सीजन एंड क्लोरीन में अगर कंपेयर करोगे तो ऑक्सीजन को क्या देना पड़ेगा, माइनस वन, इसे देना पड़ेगा प्लस वन. ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हो इस वाले क्लोरीन का चार्ज है प्लस वन और इस वाले क्लोरीन का है माइनस वन. ठीक है, तो प्लस वन एंड माइनस वन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसके लिए हमें जीरो मिल रहा था, तो दिस वॉज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है, इसको डिसोसिएशन से भी समझ सकते हैं. ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, इट डिसोसिएट्स टू गिव यू सी ए टू प्लस का आयन, क्लोराइड का आयन सी एल माइनस. ठीक है, एंड ओ सी एल माइनस का आयन जिसे बोला जाता है हाइपोक्लोराइड आयन. ठीक है, तो यहाँ पे तो चार्ज माइनस वन है हमें दिख रहा है. ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा प्लस वन. ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर के अंदर जो दो क्लोरीन के एटम है उनके ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग होते हैं, एक का आता है माइनस वन और दूसरे का आता है प्लस वन. ठीक है, तो इस लेक्चर में बेसिकली हमने काफी सारे स्पेशल केसेस देखे ऑक्सीडेशन नंबर के. ठीक है, और हमने ये समझा कि जो हमारा कन्वेंशनल मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, ठीक है, उससे हमें आंसर सही भी आ सकता है पर कई बार गलत भी आ सकता है. ठीक है, तो जो हमें एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन नंबर पता चलेगा वो हमें पता चलेगा स्ट्रक्चर से. ठीक है, आई होप आप सबको ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा. अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड ऑल्सो प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच.